देखिए ब्रिज के गोपाल सोमवार से शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। जब भूख लगती है तो चींटियां कहाँ जाती हैं? शहद के पास। तो हम कहाँ जाएंगे? जहाँ माखन मिलेगा। हाँ समझदार हो तो चलो मालती मैया के घर। हम माखन की चोरी करेंगे। चोरी? ना ना बिल्कुल नहीं, हम तो बस वही खाएंगे जो मालती मैया ने हमारे लिए अलग से निकाल के रखा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विश्वास नहीं होता तो स्वयं ही देख लो। माखन, इतना सारा माखन। लेकिन ये माखन तो हे गोपाल, ये माखन मैं तुम्हारे लिए ही रोज देती हूँ, कभी तो खा लिया करो। सुन लिया? और कौन है गोपाल? तुम। तो फिर जो मेरा है वो मेरे सभी मित्रों का भी है, सब मिल बांट के खाएंगे। गांव छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि आपके भगवान ने मेरा भरोसा तोड़ा है। ऐसा क्यों कह रहे हो? सही कह रहा हूँ मैं, एक छोटी सी चूल्हे की आग से मुझे बचा नहीं सके तो अंगारों पर चढ़कर स्वामी ज्ञानधर जी के सामने अपने भक्ति का प्रमाण कैसे दूंगा मैं? परंतु तुमने ऐसा प्रण लिया ही क्यों? पहले भी सच्चे भक्त की सहायता की थी ना उन्होंने। यदि भक्त की भक्ति में सच्चाई है तो भगवान सदैव हर पल उसकी सहायता करते हैं। हाथ जल गए मेरे, फिर भी आपकी बात पर विश्वास करूं? ना मुझ पर ना मेरी बातों पर विश्वास करो। यदि विश्वास करना है तो केवल अपने भगवान पर विश्वास करो। हो सकता है वही चाहते हो कि उनका भक्त अंगारों पर ना चले। अब अगर मैं मेरी बात से पीछे हटाना तो एक सच्चे भक्त पर लोग हंसेंगे। भगवान ऐसा होने नहीं देंगे। आओ चलो मेरे साथ चलो। तनिक एक बात तो सुनो, बहुत चिंता हो रही है। भोला की पत्नी और उसके बच्चों को लेकर कैसा प्रण ले लिया अंगारों पे चलने का, पर सोचा उसे जाकर समझा आऊं। ठीक कह रही है, उसकी आंखें खोलना तो जरूरी है। आप भी साथ क्यों नहीं चलती? एक से दो भले भले तो है, लेकिन हमारे वैद्य जी है ना, उनका भोजन माखन के प्रसाद के बिना हजम ही नहीं होता। और देखिए ना, माखन तो खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, पर इतनी सहायता कर सकती हो ना कि अपने एक दो कपड़े दे सकती हो दान में? दे तो सकती हूँ, लेकिन बहन मालती, दान देने से सुख दुगना होता है और दुख कम होता है। अभी लेके आती हूँ। अब अपनी कोई लाल साड़ी ले आना जो आपके काम की ना हो। अरे तुम्हारे तो मुंह से निकल गया, मेरा तो उद्धार हो गया ना। कैसे चलूंगा मैं अंगारों पे, कैसे? सोचा तुमने? गई थी उसे उसके सुहाग का भाई दिखाने, अपने पति को खतरे में डाल के चली आई। अरे मेरा बेड़ा पार कर दिया तुमने, पार कर दिया, पार कर दिया। मेरे मालिक की तो सांस ही अटक गई होगी ये सुनकर। सच है, 100 सुनार की 1 लुहार की है ना गोपाला, कहीं ज्ञानधर जी अपने खोदे गड्ढे में खुद ही ना गिर जाए। बुढ़ा जी ये क्या कर रहे हैं आप? बड़े और पूज्य का तनिक भी ध्यान नहीं है आपको? पहला अवसर तो स्वामी जी को ही मिलना चाहिए। क्या तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो गोपाल। आइए स्वामी जी, एक बार फिर चमत्कार करके सभी गांव वालों में भक्ति की जोत जगा दीजिए। प्रभु नहीं। नाग के रास्ते में आने वाले के साथ नाग क्या करता है? और क्या करता है स्वामी जी, उसे डस लेता है। तो भोला को डसना होगा। बस अरे उसके लिए तो हम ही काफी हैं। चलो मैम। मूर्ख कहीं के, जहर मेरा होगा, उगलेगा कोई और। इसे कहते हैं काम भी हो जाए और नाम भी ना।